नमस्कार। म्यूजिकल हेरिटेज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बार फिर कथक के एक बहुत बड़े नाम को, शाश्वती सेन जी को, जिनके कथक में जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो है उनकी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े होना, और साथ ही साथ उनका जो नृत्य का जो अभिनय का जो हिस्सा है जो वो बहुत सशक्त माना जाता है। उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है, हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। शाश्वती दी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो यही कि आपकी जो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, आपको बिरजू महाराज जी से जो लंबी आपकी एक यात्रा है उनके साथ जुड़े रहने की, ये यात्रा शुरू कैसे हुई थी, कैसे शुरू हुआ था ये सफ़र जहाँ पर आप इस नृत्य से जुड़ी? मेरी ज़िंदगी में नृत्य संगीत का ऐसे प्रवेश हुआ जैसे कि एकदम अनजाने में। हमारे परिवार में सब लोग डॉक्टर्स, संगीत नृत्य से दूर दूर से किसी का ताल्लुक नहीं था। यूँ तो बंगाल में नृत्य संगीत बहुत समृद्ध रहा है, पर मेरे पिताजी पहले मिलिट्री में थे, वहाँ भी डॉक्टर थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद मैं जब 5-6 महीने की थी तब से दिल्ली आ गए, तो वो बंगाल का भी वो माहौल नहीं मिला, और मिलिट्री और डॉक्टर और पूरा परिवार सब सर्जन्स एंड डॉक्टर्स, तो ये तो ईश्वर ने शायद एक रास्ता बना दिया था। जब मैं 6-6.5 साल की थी तो हमारे यहीं दिल्ली में मिंटो रोड के पास घर जहाँ हमारा था उसके बहुत नज़दीक भारतीय कला केंद्र एक संस्था जो थी उन दिनों दिल्ली में, एक वन ऑफ द बेस्ट, तो वहाँ पे किसी ने देखा सुना होगा, तो मैं ऐसे ही शौकिया घर पे नाचती थी जैसे हर बच्चा नाचता है, तो पड़ोसियों ने मम्मी को बताया कि इसमें टैलेंट दिखता है, आप क्यों नहीं भेजती हैं यहाँ सीखने के लिए। तो उन्होंने भी, चलो बच्चा शाम को इधर उधर घूमता है फालतू में, इससे अच्छा है कुछ कर ले, तो बस वही नेबर्स के कहने से मम्मी मुझको वहाँ ले गई थी। और वहाँ पे रेबा विद्यार्थी जी, मेरी पहली गुरु, जो आज आशीष विद्यार्थी के माँ के रूप में भी पहचानी जाती है, उनकी भी ये पहली पोस्टिंग एक तरह से प्रॉपरली थी, और छोटे में मैं थी बंगाल से आई हुई, तो उन्होंने मुझको एक सैम्पलर की तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की, और मैं भी उनसे बहुत दिल से जुड़ी हुई थी मेरी बड़ी बहन की तरह से, तो खूब उन्होंने मेरे को मन से सिखाया, और आई वॉज सॉर्ट ऑफ लाइक अ गिनी पिग फॉर हर टू गिव हर दैट एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रेनिंग टीचिंग। तो वहाँ से फिर भी था तो वो हॉबी ही, और करीब 6-7 साल तो उनके पास सीखी मैं। उसके बाद मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला, और नेशनल स्कॉलरशिप के तहत ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि हम किसी घराने से जुड़े घरानेदार गुरु के पास प्रोफेशनली उसको प्रॉपरली एक फुल टाइम रूप में सीखे। और उन्हीं दिनों मुझे प्री मेडिकल के लिए, मैं पढ़ रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली प्री मेडिकल तो यहीं किया, मेडिकल के लिए मुझे यहाँ दोनों अच्छे कॉलेजेस में नहीं मिला, तो मैं अलीगढ़ चली गई थी हमारे फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ, वहाँ जाके पढ़ रही थी। सेम ईयर था, तो बहुत दुख में थे हमारे पिताजी माताजी भी कि मैं स्कॉलरशिप नहीं ले पा रही थी, मैं बहुत दुखी थी कि मेरा डांस बंद हो जा रहा था। तो समहाउ आई वॉज़ नॉट वेरी कीन ऑन मेडिसिन, और घर से दूर रह के बहुत मेरी तबीयत भी ख़राब रही, बहुत हम होम बाउंड, बहुत घरेलू, तो अच्छा रिजल्ट भी नहीं हो रहा था। बहुत पापा को रिक्वेस्ट किए कि मेरी ये मेडिकल की पढ़ाई छुड़वा दीजिए, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं घर वापस आके जो भी साइंस तो मेरा सब्जेक्ट था ही, हमको कुछ और करने दीजिए, मेरा नाच भी बंद हो गया। फिर जब मैं लौट के आई, बस कुछ थोड़ा सा रोका था उन लोगों ने स्कॉलरशिप, देन आई वॉज ब्रॉट टू महाराज जी, रेवा दीदी ही लेके गई थी महाराज जी के पास, और बहुत अजब सी बात थी कि मैं महाराज जी को दूर दूर से देखती थी और बहुत डरती थी, और महाराज जी, प्रताप भाई, तीरथ भाई, ये लोग उसी कैंपस में, महाराज जी का घर भी था यहीं माता सुंदरी रोड पे, और शायद वो लोग मेरे को कई सालों से आते जाते देखते थे, बंगाल की हूँ और एक लगन उनको दिखती होगी, तो शायद मेरे बारे में बात करते होंगे, जो कि बाद में महाराज जी ने मुझे रियली खुलासा किया,
पर मुझे बहुत गलत फीलिंग होती थी, और मैं वो एक टीनेज का था ना कि कुछ लड़के लोग बैठ के हमारे बारे में बात करते हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, गॉसिप करते हैं, और मैं अक्सर महाराज जी को ना पहचानते हुए रेवादी से अपनी माँ से कहती थी कि पता नहीं कैसे चार पांच लड़के बैठे रहते हैं, महाराज जी वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। रेवा दीदी भी कहती थी अच्छा उन लोगों से बात मत किया करो, कौन है, वो बाहर निकलती थी, शी नेवर रियलाइज्ड कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट महाराज जी। फिर जब वो मुझे महाराज जी के पास सीखने के लिए ले गई, तब तो मेरा बिल्कुल एकदम घबराहट में, मैंने कहा दीदी यही तो है उन सब के लीडर जो बहुत हमारे बारे में कुछ कुछ बोलते थे, हम नहीं सीखेंगे इनके पास। महाराज जी अभी यहाँ है, और वो डर मेरे दिल से निकलने में 3-4 महीना लगा। फिर महाराज जी ने एक बार दो एक महीना या एक महीने बाद खूब गुस्से में कहा कि तुमको सीखना है तो सीखो, नहीं तो यहाँ आके नाटक मत करो और मुंह मत बनाओ। और मैं महाराज जी को देख के मेरे आँखों में आंसू आता था, इतनी मैं पता नहीं क्यों डर गई थी। फिर 1-2-3 महीने तो मैं मुझे बिठा के रखा, ना मैं सीखती थी ना महाराज जी हमको देखते थे। सुरामा गंधारियास उन दिनों महाराज जी के पास उरुग्वे की थी, वो सीखती थी शाम को, क्योंकि वो हम भी कॉलेज से आते थे और वो भी एम्बेसी से आती थी, तो वो मुझे बहुत उत्साहित करती थी। मैं जरा कॉन्वेंट पढ़ी हुई इसलिए इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में अच्छा रहता था उनको भी, तो वो कहती थी व्हाई आर यू सो सिली, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, ही इज सच अ ग्रेट मास्टर, तुम देखती नहीं हो कितना सुंदर सिखाते। तब 1-2 महीने से मैं बैठ के देखती थी, याद तो मुझे होता था, और मैं बहुत रिपेंट करने लगी कि मैं इतना अच्छा तालीम को मैं नहीं ले रही हूँ, मेरी मूर्खता है। तो 2-3 महीने बाद फिर मैं महाराज जी के पास बहुत क्षमा मांगने के लिए गई, मैंने कहा, महाराज जी बोले देख लो सोच लो, तुमको सीखना है तो फिर सीखो, और नहीं तो मेरे यहाँ आके तुम डरने की भी कोई बात नहीं है। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। एक बार जब हम आए, तब तक तो मैं चार्ज हो गई थी कि मैं 3 महीने से देख रही हूँ अच्छा काम और सीख नहीं रही हूँ, तो बहुत मन से मैंने भी सीखना शुरू किया और महाराज जी ने भी बहुत जतन से, और आज समझे कि 47-48 साल हो गए महाराज जी के साथ, और वो सीखना तो कुछ क्या हुआ पता नहीं, कुछ आधा भी नहीं सीख पाए हम, पर वो प्यास जो शुरू वाले दिन से अभी तक वो प्यास ज़रूर बनी हुई है, कि ईश्वर करे और भी 40 साल निकल जाएंगे तब भी शायद पूरा। ये तो पहली बात तो ये विद्या ही मैंने उसकी कोई सीमा पारंपार नहीं है, और मेरे गुरु ऐसे हैं कि जिनसे कोई भी शाखा में कोई भी विधा में, क्या वो संगीत, क्या वो नृत्य, क्या वो बजाना वाद्य, क्या साहित्य, क्या हर चीज़ में वो इतने संपूर्ण हैं कि कब तक इंसान एक ज़िंदगी में उनको उनसे सीख पाना असंभव है। तो पर हाँ, उनके साथ कुछ वर्षों तक तो प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग हुई, फिर कथक केंद्र उसकी उन्हीं दिनों कथक केंद्र एक अलग शाखा बनी, पहले भारतीय कला केंद्र के अंडर था, फिर गवर्नमेंट ने संगीत नाटक एकेडमी ने ले लिया, तो कथक पूरी तरह से एक अलग शैली का हो गया, और फिर हमें रेपर्टरी में हम काम भी करने लगे कथक केंद्र में, महाराज जी उस यूनिट के डायरेक्टर थे, हम लोग सब डांस ड्रामास कोरियोग्राफीज बहुत, तो वो भी वो अध्याय भी हमने सीखा कैसे महाराज जी म्यूज़िक भी स्वयं कंपोज करते थे। महाराज जी तो वन मैन शो, लिखना भी उनका, स्क्रिप्टिंग भी उनका, म्यूज़िक भी उनका, डांस भी उनका, और जहाँ जहाँ वो स्वयं पात्र रूप में करते थे, तो और आज भी वही सिलसिला है कि महाराज जी जो एक काम लेते हैं तो उसको तो पूर्ण रूप से महाराज जी, इवन फॉर फिल्म्स व्हेन ही डज, देवदास हुआ, शतरंज के खिलाड़ी जिसमें मैं नाची थी, सत्यजीत दादा की फिल्म, तो म्यूज़िक भी महाराज जी का, चयन भी महाराज जी ने अपने बाबा की ठुमरियाँ की, गाए भी वो स्वयं, नृत्य निर्देशन भी, तो ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं हिंदुस्तान में, ऐसे हर विधा में इतने संपूर्ण, हमें तो नहीं मालूम कि ऐसे लोग हैं और भी। सो ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम उस तरह से सीख सकें और हमारी वो ललक कभी ना ख़त्म हो, और गुरु के साय में हम सीखते चले जाएं।
नाचते हैं जो थोड़ा मोड़ा नाचते हैं, पर सीखने का आनंद कुछ और ही है। गुरु शिष्य के बीच जो रिश्ता होता है उसमें शिष्य को क्या लगता है एक समय तक सीखने के बाद कि वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छा सीख रहा है, या उसको ये लगता है कि चूंकि मेरे गुरु बिरजू महाराज जी हैं या मेरे गुरु एक बहुत बड़े कद के व्यक्ति हैं, बहुत धनी आदमी हैं, बहुत गुणी आदमी हैं, इस वजह से मैं अच्छा सीख रही हूँ। तो क्या फ़र्क क्या है इन दोनों चीज़ों में, रिश्ता किस तरह का होता है, क्या चीज़ दिमाग में चलती है? गुरु जी ने तो आज तक कभी नहीं कहा कि तुम अच्छा कर रही हो और तुम अच्छी शिष्या हो। ये अब महाराज जी बल्कि और बच्चों को पैम्पर करते हैं। हम लोग तरसते थे और आज भी हम लोग तरसते हैं कि महाराज जी शायद अभी रिसेंटली, मतलब पूरी ज़िंदगी, मैं तो कह रही हूँ 37-47 साल से हम उनके पास हैं। शुरू में उन्होंने ज़रूर कहा था कि तुम क्यों डरती हो, हमने देखा है रेवा दीदी के अंडर में जब तुम नाचती थी एक आध छोटे मोटे बच्चों के प्रोग्राम में, तभी से हमारे दिमाग में था कि ये लड़की आगे जाएगी, मंगालन है इनके खून में भी होता है, तो तुमको हम सिखाएंगे और तुम अच्छी बनोगी। वो तो शुरू में बोला था, उसके बाद से तो शायद महाराज जी ने हजारों लाखों के प्रोग्राम में शायद 2 या 3 बार ऐसे ही सरसरी आज का प्रोग्राम तुम्हारा ठीक था, विच वॉज लाइक मोर देन एनी अवार्ड फॉर मी। अभी भी रिसेंटली एक हैबिटेट में प्रोग्राम हुआ था, शायरों के ऊपर कुछ किया था। मैंने महाराज जी तो मदद करते ही हर चीज़ पर, सामने बैठे वो जब सामने बैठे होते हैं तो खुशी भी उतनी होती है, घबराहट भी उतनी होती है, क्योंकि 1001 गलतियाँ भी निकाल लेंगे। तो वो उस दिन बोले थे ये 2-3 महीने पहले, नहीं आज तुम ठीक दिख भी रही थी, ठीक से ऊपर कोई बात नहीं, अच्छा का तो कोई सवाल नहीं, और तुमने ठीक किया आज, अच्छा लगा। तो इससे बड़ा, मेरी माँ भी ऐसी थी, बहुत क्रिटिकल थी, पर ये हमारे लिए आशीर्वाद है। पर मैंने ज़रूर महसूस किया, जो आपने कहा बिटवीन द गुरु एंड द शिष्य, मैंने ज़रूर महसूस किया था पहले ही वो 2-3 महीने के अंदर कि ऐसा गुरु शायद बड़े मुश्किल से मिलता। और अब उस टाइम तो फिर भी बुद्धू थे हम, अब तो ये लगता है कि मतलब ये ईश्वर का बहुत बड़ा हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि ऐसे गुरु हमें मिले। कितने लोगों को ये मौका मिलता है कि महाराज जी के साथ इतने वर्षों तक, और हर रोज़, आप विश्वास नहीं करेंगे या अतियोक्ति नहीं है, मैं अभी लंदन भी गई थी, महाराज जी लिवरपूल में काम कर रहे थे और मैं लंदन में, एवरी डे ऑफ हिज लाइफ वी लर्न फ्रॉम हिम, चाहे वो टेक्निक में सीख रहे हैं, अभिनय में सीख रहे हैं, उनकी बातचीत से, उनकी एक एक अंग की, हम भी तो सिखाते हैं। आज 30 साल से मैं भी सिखा ही रही हूँ, 40 साल से विदेशों में ट्रैवल कर रही हूँ महाराज जी के साथ भी, अपने आप भी, पर फिर भी महाराज जी को देखते हैं, उनको सुनते हैं तो लगता है नहीं नहीं ये एक और तरीका है बच्चों को। और अभी भी हम कलाश्रम, महाराज जी की संस्था है जिसमें मैं मुख्य एक टीचर हूँ, सेक्रेटरी भी हूँ, अभी भी इस वर्ष भी हमने नए प्रयोग से, एंड हम लोग सब एज टीचर्स रियलाइज़ करते हैं कि वाह ये जो महाराज जी ने एक राह दिखाई है, एज एन एक्सपेरिमेंट वी ट्राई इट विद आवर स्टूडेंट्स एंड इट हैज़ प्रूवन सो गुड एवरी टाइम। जो महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी स्वयं भी अभी सीखते रहते हैं, क्या सीखते हैं कि कैसे अगले को सिखाएं, कैसे एक आम जनता के अंदर भी नृत्य की जो गहराई है उसको समझाएं, एक साधारण अनाड़ी से अनाड़ी स्टूडेंट के अंदर जो कमी है उसको कैसे, हाउ डू आई ट्रेन माई सेल्फ टू ट्रेन अनदर पर्सन, दिस इज आवर ट्रेनिंग। जो महाराज जी अब भी कहते हैं कि वो अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये हम लोग भी हर रोज़ सीखते हैं महाराज जी से, ऐसे गुरु बहुत कम, बहुत मुश्किल से। महाराज जी सत्यजीत दादा के साथ जब काम कर रहे थे हम, तब भी ये हुआ था, संजय बंसाली जी ने भी बहुत सुंदर की, कमल के साथ भी किया, हर जने ने, हर ग्रेट आदमी ने। सत्यजीत दादा तो सदा कहते थे कि शाश्वती रिकॉर्डिंग हम कर रहे थे, 50 बार महाराज जी वो ठुमरी गा लिए, और फिर महाराज जी के दादा यहाँ जरा एक बार और ले लीजिए, ये जरा कुछ मज़ेदार नहीं हुआ, 40-50 रीटेक्स हो गए। फिर दादा मुझे बोले बंगला में, शाश्वती कखनो वो खुशी हो बिना निजे काजे, मतलब वो कभी खुश नहीं होंगे अपने काम से, क्योंकि एक जीनियस होता है
वो हर वक्त सोचता है कि इससे और शायद और एक कदम, शायद इतना 19 अभी भी कमी रह गई है। तो बोले मेरी भी प्रॉब्लम यही है, मैं अपने काम को ही क्रिटिसाइज़ करता रहता हूँ। सत्यजीत दादा ने मुझे कहा था, बोले वो कभी नहीं सेटिस्फाई होगा, पर मेरी फिल्म रुक जाएगी। हम ऐसा कर, हम लोग सब लोग कहते हैं महाराज जी ये तो गजब का हुआ, उसके बाद तू मेरे ऊपर छोड़। ही लव मी वेरी डियरली, मैं उनके घर की तरह थी। बोले उसमें से जहाँ उन्हें लगेगा मैं एडिट करके द बेस्ट निकालूंगा। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आज भी महाराज जी हमें जो चीज़ शायद 5 साल पहले सिखाई है अब वो दूसरी तरह से सिखा रहे हैं। तो हम कभी हंस के कहते हैं महाराज जी हमें तो आपने कुछ और सिखाया था, सेम ठुमरी सेम टुकड़ा, अब आप दूसरा, तो क्या हमारा गलत था या ये कुछ नई बात बन गई। तो बोले कि क्या मैं कुएं का मेंढक बना बैठा रहूँगा, मैं भी तो इवॉल्व कर रहा हूँ, मैं भी तो सोचता हूँ कि नहीं इसको शायद ये करने से और एक और मज़ा आएगा। रोज महाराज जी का हम माखन चोरी देखते हैं, आज मैंने लाखों बार देखा होगा और हर बार कोई ना कोई नई चीज़ दिखती है, बिकॉज ही कीप्स थिंकिंग अबाउट इट। ही इज़ नॉट, वो ऐसे नहीं है कि सीख के सिर्फ कैप्सूल ट्रेनिंग हमने जो सीखी थी, एक तो सिखाई उन्होंने कम था, 9 साल की उम्र में उनके पिताजी गुजर गए। ही इज़ अ सेल्फ मेड जीनियस, सेल्फ मेड आर्टिस्ट, पर अपने आप को भी वो एनरिच करते रहते हैं हर रोज़ हर दिन कुछ ना कुछ। तो ऐसे महान व्यक्ति को तो मैंने एक किताब लिखी है, पर मैंने किताब में यही लिखा है कि किसी की भी कलम उनकी गुण को संपूर्ण नहीं लिख सकता। हम केवल हम अपनी एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, बट नो वन कैन, नो वन सिंगल पर्सन कैन राइट अबाउट हिज मल्टीफैसेट। आपने जैसे कहा कि आपने अपनी शुरुआत जो की कथक की वो इसलिए की कि घर वालों को लगा कि शाम को खाली रहती है थोड़ी देर, वो जाएगी सीखेगी और कुछ कुछ सीखने को ही मिलेगा। अभी भी जो सबसे बड़ी चुनौती है कथक के सामने या किसी भी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी जो तमाम विधाएं हैं या नृत्य से जुड़ी जो विधाएं हैं, जो हमारी परंपराओं से जुड़ी विधाएं हैं, कि लोग बस भेज दे रहे हैं अपने बच्चों को कि जाएं और वो सीख लें, कंप्यूटर गेम खेलेंगे इससे अच्छा कथक सीख लें, पार्क में जाके खेलेंगे उससे अच्छा कथक सीख लें। इस ये जो फ्रेम ऑफ माइंड है, ये जो सोच है, ये जो विचारधारा है, इससे कथक को कैसे बाहर निकाला जाएगा? आखिर कैसे कथक का जो विस्तार है, जो उसका जो प्रचार प्रसार है, वो उस दिशा में जाएगा जहाँ पर बच्चा संजीदगी के साथ सीखेगा, इस लिहाज से सीखेगा कि उसे बड़ा होकर एक कथक कलाकार बनना है? और उसमें किस तरीके से आप लोग, आप खासतौर पर एक बड़ी संस्था है आपकी, आप लोग किस तरह से उसमें मददगार हैं? बहुत धन्यवाद इस प्रश्न को सिर्फ पूछने ही के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। 3-4 जो हमारे दिल में है, जब हमने कलाश्रम बनाया उसके बाद बड़ी कठिनाई आई और अब हम महसूस करते हैं और हम लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं कि दिल्ली जैसी भूमि में एक भी डांस फैकल्टी नहीं है। 3-4 यूनिवर्सिटीज़ इतनी बड़ी बड़ी है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, JNU, जामिया, ये वो, हर चीज़ का है, फिल्म का है, इवन फैशन की इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जो कि जबकि फैशन इज़ पेरिस का, फ्रांस का असली विधा, हमारे यहाँ की तो कल्चर जो इंडियन हेरिटेज है उसको संजोड़ने के लिए कितनी दुखदाई बात है कि आज दिल्ली में एक फैकल्टी नहीं है जहाँ इंसान डांस की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च की डिग्री कर सके, जबकि दिल्ली के अलावा और स्टेट्स में है, कोलकाता में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बॉम्बे में है, असम में है, इवन हरियाणा, पंजाब में है, गुजरात में है। तो हम जो महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स आते हैं वो इसीलिए वो हॉबी क्लास तक की सोचते हैं क्योंकि उनको आगे का रास्ता नहीं मिलता, स्कूल तक सीख लिया उन्होंने, उसके बाद अगर कोई बहुत जीनियस टैलेंटेड है भी, बहुत पेरेंट्स हैं ऐसे, एक महाराज जी के पास भी एक लड़की है आती है, उसके पेरेंट्स ने कहा था कि हम तो डांस को ही, क्योंकि उसके अंदर हुनर है, एक DPS चलाते हैं हमारे मित्र हैं, उनकी बेटी, उन्होंने भी कहा था कि अगर आपको दिखता है कि मेरी बच्ची डांस में ही वाकई में अच्छी है तो पढ़ाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बट वेयर डज द चाइल्ड गो आफ्टर फिनिशिंग स्कूल? कोई तो कॉलेज में उसको डांस का कोई सब्जेक्ट मिलेगा नहीं, तो वाई डज द गवर्नमेंट नॉट थिंक अबाउट दिस, नंबर वन। नंबर टू, आपकी चैनल, थैंक्स फॉर द मीडिया थ्रू व्हाट, ये आप इसको शायद एक क्लासिसिज्म में लाएंगे आप अपने वेबसाइट को,
पर क्यों हमारी दूरदर्शन वगैरह इस तरह के प्रोग्राम्स पूरे दिन भर में क्यों नहीं क्लासिकल नेशनल प्रोग्राम रात को 11-12 बजे एक आता है, आधे बच्चे सो जाते हैं, आधे लोगों को इंटरेस्ट नहीं, क्यों नहीं? एक डीडी भारती में काम अच्छा शुरू किया, बट क्यों ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारे भारत की पहचान है, हमारे भारत की धरोहर है, इसको संजो के नहीं. Why do they think always about commercial ends? और जगह से पैसा कमाइए. अगर हर जना यही सोचे कि हम अपने काम को सिर्फ पैसे की के साथ आँखेंगे, महाराज जी ने तो कभी नहीं सोचा. जो क्लासिकल से प्यार करता है और आज हम अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, इतने लोग वहाँ के सीखने आते हैं, हमने तो ना उन्होंने सोचा पैसे क्या. हमारे कलाश्रम में अभी भी 500-600 रुपए में महाराज जी से नाच सीख सकते हैं, महीने का फीस है, जो कि महाराज जी रोज़ चले जाते हैं वहाँ से, वो तो पैसे भी नहीं लेते हैं कलाश्रम से. तो वी डोंट वर्क फॉर मनी, वी वर्क बिकॉज वी थिंक दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडियन, क्या एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ डांस एंड म्यूजिक, क्लासिकल रियल, नॉट द पॉपुलर, नॉट द दो दिन का मस्ती वाला, वो क्लब में डांस करने वाला नहीं, जो कि अब वही कल्चर हो गया है और उस कल्चर को हम प्रमोट भी कर रहे हैं. वो जो 4 दिन का बुलबुला वाला कल्चर है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि हर एक अपने अपने ढंग से उसकी उसको पसंद भी करता है, चाहता भी, वी हैव नो प्रॉब्लम, बट वाई नॉट ऑल्सो क्लासिकल, विच इज़ ट्रूली द स्ट्रेंथ ऑफ आवर country, the strength of every person, every human being, जो वो आत्मा, soul, mind, अपनी जिंदगी को nurture करता है. तो ये सब चीज़ें अगर government थोड़ा सा और सोचे, समाज सोचे, तो शायद समाज में भी बहुत अच्छा काम होगा. शाश्वती जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. तो ये थी शाश्वती जी, जिनसे हमने बातचीत की कथक के बारे में, कथक के मौजूदा स्वरूप के बारे में, और साथ ही साथ उनकी योजनाओं के बारे में कि किस तरीके से कथक का प्रचार प्रसार हो, किस तरीके से कथक का और विस्तार हो. हमारा वायदा है आपसे, म्यूजिकल हेरिटेज का वायदा है आपसे, कि हम लगातार आपको नए और बड़े कलाकारों से मिलाते रहेंगे, उनकी बातचीत आप तक पहुँचाते रहेंगे, उनके विचार आपको सुनाते रहेंगे. अगली बार फिर किसी एक बड़े कलाकार के साथ आपसे मुलाकात होगी. नमस्कार.